यूएन की तकरीर का जिक्र करते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की तारीख में पहली मर्तबा अमेरिका ने पाक भारत ताल्लुकात और मसले कश्मीर के हवाले से अपनी तकरीर में उसको नजरअंदाज किया है। तकरीर के असरात भी होने चाहिए, क्या असरात हैं उसके? अपने दोस्त ममालिक ने आपको वोट नहीं दिया है, आप इंसानी हुकूक काउंसिल में करारदाद पेश करने के लिए मतलूबा तादाद पैदा नहीं कर सके, क्या आपको मालूम नहीं था कि हिंदुस्तान आर्टिकल 370 को खत्म करने का इरादा रखता है? बीजेपी के मंशूर का हिस्सा था और हम यहां खावे खरगोश में पड़े थे। हमने कोई सफारतकारी नहीं की, हमने दुनिया से कोई बात नहीं की कि इसके असरात क्या होंगे, हिंदुस्तान को रोका जाए। और फिर जब इलेक्शन हो रहे थे तो हमारा रिजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वो मोदी को दावत दे रहा है कि अल्लाह उसको कामयाब करे, उसकी कामयाबी से मसला कश्मीर हल हो जाएगा। सो ये हल हो गया जो आपने देखा। फिर कहते हैं हम कश्मीर के लिए, आज कहा है कश्मीर के लिए पाकिस्तान समंदर बन जाएगा। चलो सुनामी से समंदर पर तो आया। उसके बाद सहारा बन जाएगा, मगर बच के आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। तुम कश्मीर फरोश हो, तुमने कश्मीर का सौदा किया है, और यही वजह है कि हमारे दोस्त ममालिक को भी पाकिस्तान की ऑफिशियल पोजीशन मालूम है, जिसकी वजह से वो किसी भी फोरम पर आपकी तायीद करने के लिए तैयार नहीं, आपका तस्करा करने के लिए तैयार नहीं हो रहा।